अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो जिस तरह सभी आपको पता है कि आज 19 अप्रैल है और आज से बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स लगना शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा देंगे कि आप अपना फॉर्म किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जेके बोपी की वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे टेप ज्वाइन कर लोगे। आप इस तरीके की वेबसाइट जो जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पहले ही ऊपर दो तीनों में यहाँ पे चेक कर लेना, यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग वाला ये जो ऑप्शन है हमने इस पर टेप कर लेना, और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे आपके फिर से बीएससी नर्सिंग होगा ये, लेकिन कौन से लिंक का है हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वाले ऑप्शन पर टेप करते हैं। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वाले ऑप्शन पर हमने टेप किया तो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो गए रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे। इसमें यहाँ पे आपको डेट्स भी देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगी वो 19 अप्रैल को शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 3 मई को यहाँ पे रहने वाली है। ऑनलाइन पेमेंट भी आपको 3 मई तक करनी है और डॉक्यूमेंट्स भी आपको 3 मई तक यहाँ पे अपलोड करना है। उसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, इनको आप एक बार जरूर अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपको 3-4 स्टेप्स यहाँ पे आ जाएंगे। पहले आपको क्या काम करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद प्रिंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म का लेना है। लेकिन अगर आप क्रोम से इसको ओपन कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, आपको इसमें जंबलिंग जो है वो दिख रही होगी। तो आप कोई और ब्राउजर यूज़ कर लेना, उससे यहाँ पे आपको जो है वो अच्छी तरह से ये सारी वेबसाइट अच्छी तरह से वर्क करेगी। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना है, अलाउ वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे वेबसाइट में लोड है, टाइम लेगा। तो यहाँ पे आपको फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगी, इन इंस्ट्रक्शंस को आप एक बार अच्छी तरह से जरूर पढ़ लेना डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। उसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे देके अप्लाई वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे टैप करते ही यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। इसमें पहले यहाँ पे ऊपर कोर्सेज की प्रेफरेंस देनी है, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, बीएससी पैरामेडिकल करना चाहते हो, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज करना चाहते हो। अगर कोई कैंडिडेट तीनों कोर्सेज करना चाहता है तो वो तीनों कोर्सेज पे टिक करेगा, फी वही आपको 1000 रहने वाली है। एक में भी वही 1000 रहेगी, 3 में भी यहाँ पे आपको वही 1000 रहेगी। इसलिए आप कोशिश कर लेना आप मैक्सिमम कोर्सेज रखने की, क्योंकि फिर काउंसलिंग में आपको दिक्कत नहीं आ जाएगी। उसमें फिर अगर आपको फिर पॉइंट्स कम हुए तो नर्सिंग ना मिल सका, पैरामेडिकल मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। इसलिए आप तीनों ऑप्शंस को यहां पे टिक कर लेना। यहां पे हम बीएससी नर्सिंग को भी देखते हैं, बीएससी पैरामेडिकल को भी देखते हैं और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज को भी यहाँ पे हम टिक लगाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इसने देना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, नाम आपने जो है वो मार्कशीट के हिसाब से डालना है, फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है, जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो कुछ भी होगा। उसके बाद रेजिडेंट कहाँ के हैं आप, जम्मू कश्मीर के या यूटी लद्दाख के, वो डालनी है। उसके बाद डोमिसाइल आपको कब इशू हुई थी उसकी यहाँ पे डेट आपको डालनी है, ये डेट आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर ही मैंशन होगी। कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी आपकी है, ओपन मेरिट से है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस पीएसपी, जो भी कैटेगरी आपकी होगी वो यहाँ पे आप इसमें लगा सकते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जो ओपन मेरिट से होंगे वो जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले वाली है ओपन मेरिट, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे फिजिकल चैलेंजेड अगर आप हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस आपको देनी है, एग्जामिनेशन आप कहाँ, एग्जाम जो एंट्रेंस है वो कहाँ देना चाहते हो, जम्मू में या श्रीनगर में, जहाँ पे आपकी मर्जी है वहाँ आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी अपनी यहाँ पे डालनी है, ईमेल आईडी आप वही वाली डालना जो वैलिड ईमेल आईडी होगी, इनवैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं डालना, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपको कन्फर्मेशन मेल वगैरह आते रहेंगे। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा, एड्रेस में यहाँ पे आप अपने गांव का नाम, फिर मोहल्ले का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पे लोकलिटी का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपनी सिलेक्ट करनी है, पिन कोड अपनी डालनी है और यूनियन टेरिटरी अपनी सिलेक्ट करनी है, यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख जो भी होगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर टिक करोगे तो ऊपर वाले एड्रेस जो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर वो डिफरेंट होगा तो आप इस पर टिक नहीं करना, ये नीचे आपको दूसरा एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको पहले 10+2 का यहाँ पे आपको डालना है। ये किस तरह से डालना, देखिए अब इसमें यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स का, जो अभी हॉट जोन एरियाज में या सॉफ्ट जोन एरियाज में एग्जाम दे रहे हैं वो अपीयर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे और जिन्होंने पास किया वो पासड वाला ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे। जो ही आप अपीयर्ड वाला ऑप्शन रखोगे तो आपको नीचे मार्क्स डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ये हो गया आपका मार्क्स वाला सिस्टम पूरा क्लोज, तो आपको फिर यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। पासड वाले जो होंगे वो यहाँ पे पासड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, टैप करते यहाँ पे आपको जो है वो मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं। 12th में आपको कितने थे, 500 थे, 500 में से आपने कितने लाए, परसेंटेज आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी।
उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग अपना सेलेक्ट करना है, कॉलेज या है अपनी हायर सेकेंडरी का नाम जहाँ से आपने अपना 12th पास किया उसका नाम यहाँ पे डालना है, ये जिन्होंने पास किया उन्हीं कैंडिडेट्स को डालना है। उसके बाद अगर आपका लेटरल एंट्री है यानी कि आपने डिप्लोमा किया है 12th के बाद अपना लेटरल एंट्री में लेना चाहते हो तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो यहाँ पे आपको करना। उसके बाद 10+2 के जो फिजिक्स के मार्क्स हैं वो यहाँ पे आपको डालने, फिजिक्स में कितने आपको थे, केमिस्ट्री में कितने थे और यहाँ पे बायोलॉजी में आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आपके थे, ये सब डालने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स में पहले आपको फोटोग्राफ अपना लगेगा, उसके बाद सिग्नेचर अपना लगेगा, थंब इंप्रेशन अपना लगेगा, तीन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको डालने, ये 10 से 50 KB के बीच में इनका साइज होना चाहिए। ये यहाँ पे आपको डालने के बाद नीचे यहाँ पे आना है, नीचे आने के बाद कैप्चा कोड जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे डालने के बाद सबमिट आपको करना है। सबमिट करने के बाद आपको जो है वो कन्फर्मेशन एक दिया जाएगा कि आपने जो यहाँ पे ऊपर डिटेल्स डाली ये ठीक है या गलत है, आपने अगर ठीक है तो यस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे जो है वो एक आईडी जनरेट हो जाएगी, वो आ जाएगी। उसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, 5 मिनट के लिए पासवर्ड आ जाएगा वो आपको लॉग, फिर आपको क्या काम करना है ये सब कर दिया आपने, बैक यहाँ पे आ जाना है आपने। बैक आने के बाद यहाँ पे जो है वो फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, पासवर्ड अपना जनरेट करना पड़ेगा। पासवर्ड जो ही आपने जनरेट किया फिर आपको यहाँ पे आके फी पेमेंट पे ऑप्शन पे टैप करना है, फी पेमेंट के ऑप्शन पे टैप कर दिए आपको वहीं पे खुद ही रिडायरेक्ट कराया जाएगा फी पेमेंट वाले ऑप्शन पे, वहाँ पे आपको फी अपनी पे करनी पड़ेगी। फी पे करने के बाद आपको 1000 फी जो है वो वहाँ पे लगेगी, वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कहीं से भी, पेटीएम वगैरह से भी वहाँ पे आपकी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, 1000 फी है। वो सब करने के बाद आपको जो है वो फिर हो गया यहाँ तक आपका कंप्लीट प्रोसेस। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको कल ही बोले थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपको 10th की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, जिनके पास 12th की मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको लगेगी, यही 2-4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लगने वाले हैं। उसके बाद डिप्लोमा वालों को जो है डिप्लोमा की सर्टिफिकेट होगी, तो आपके पास अभी जो हार्ड जोन या सॉफ्ट जोन एरियाज में है उनको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है वो यहाँ पे आपको लगेगी और आधार कार्ड आपको अपना वगैरह लगेगा। ये सब करने के बाद डॉक्यूमेंट जो ही आप अपलोड करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद यहां पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट अपने पास जरूर रख लेना और आपको मेल पे भी कंफर्मेशन आ जाएगा, तो आपको उसका प्रिंट आउट अपने पास रख के उसका स्कैन निकाल के अपने पास रख लेना क्योंकि आगे चल के वो बहुत काम यहां पे आ जाता है। उसके बाद यहां पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी आप यहां पे चेक कर सकते हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करोगे वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। फोटोग्राफ में आप याद रख लेना, फोटोग्राफ जो आप अपलोड करोगे उसमें यहां पे नाम और डेट जरूर डालना है, उसमें आज की डेट उसमें डालना है। वो करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जेके बोपी का बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया, बस इस टाइम कोई फॉर्म फिलअप करना नहीं था, वरना मैं फी पेमेंट का भी और फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन का भी आपको बता देता कैसे करना है। तो आने वाली वीडियोस में अगर दिक्कत आपको आ जाए तो उस पर भी मैं वीडियो डालूंगा। अगर आप हमसे एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिलअप करवाना चाहते हैं आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं आपको कंफर्मेशन व्हाट्सएप अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे वहां से कॉन्टैक्ट करके हमसे भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करा सकते हैं।